बनाएगा हुजूर की शान में पढ़ा जाता है, सलाम जो पढ़ा जाएगा, जो राइजुल वक्त सलाम है, जो पहले से मुरव्वजा है, वही सलाम पढ़ा जाएगा। और जिसने बरेली का नाम लेकर इस किस्म का फितना उठाने की कोशिश की, उसके खिलाफ इंशाल्लाह सख्त से सख्त कार्रवाई बरेली वाले करेंगे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आला हजरत के सलाम पर रोक का तनाजा शिद्दत पकड़े हुआ है। इस बीच अजमेर में मौलाना तौकीर रज़ा खान और सैयद सरवर चिश्ती के बीच अहम मुलाकात हुई है। दोनों ने साथ ऐलान किया है कि अब ये तनाजा ख़त्म हो जाएगा। आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मौलाना तौकीर रज़ा खान अजमेर गए हुए थे इस तनाज़े को लेकर सैयद सरवर चिश्ती से बात करने के लिए। सैयद सरवर चिश्ती वही हैं जिन्होंने वो लेटर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि दरगाह में आला हजरत का सलाम नहीं पढ़ा जाएगा, जो सलाम पहले से पढ़ा जाता रहा है वही सलाम पढ़ेंगे, ना ही आला हजरत का लिटरेचर वहाँ बांटा जाएगा और नारेबाजी होगी। अगर ऐसा होता है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। और इस सिलसिले में पुलिस अफसरों और प्रशासन के अफसरों को भी एक खत जारी कर दिया गया था। कुछ सालों से देखा गया है कि एक खास मखसूस मसलक के लोग यहाँ के नारेबाजी करते हैं, जिसकी वजह से कई बार माहौल बिगड़ा है और स्टैम्पेड होने का खतरा भी मंडराता रहा है। तो बराए करम इस किस्म की कोई नाजिबा हरकत ना करें जिससे कि नायबुल नबी अताए रसूल हुजूर करीम नास के आस्ताने पर हर्फ आए। हुरमत का ख्याल रखें और जमाना कदीम से यहां पर या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका सलाम पढ़ा जाता है, इसके अलावा कोई सलाम ना पढ़ा जाता है। तो आप यहां आकर अपने अपने सलाम पढ़कर तफरीक पैदा ना करें। इस मुतालिक 2018 में भी हमारे लोगों ने एक रिपोर्ट की थी और इस साल भी एडमिनिस्ट्रेशन को एक लेटर लिखा है, इसलिए लिखा है ताकि किसी किस्म का माहौल खराब ना हो, भगदड़ ना हो। इस खत पर ही आला हजरत के सजानशीन मौलाना मुफ्ती मोहम्मद एहसन अदा कादरी का एतराज आया था। उन्होंने सैयद सरवर चिश्ती का नाम लिए बगैर ये पूछा था कि आला हजरत के सलाम में आखिर क्या कमी है, ये बता दिया जाए। आला हजरत ने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम पढ़ा है और उसे दुनिया भर में पढ़ा भी जा रहा है। इसके बाद दोनों तरफ से तमाम तरह के सवाल शुरू हो गए थे और सख्त अल्फाज में एक दूसरे की मजम्मत की जा रही थी। इस तनाजे को ख़त्म करने के लिए मौलाना तौकीर रज़ा खान अजमेर पहुंचे थे, वहाँ उनकी सैयद सरवर चिश्ती से गुफ्तगू हुई है। बहरहाल दोनों के बीच लंबी गुफ्तगू के बाद दोनों सामने आए हैं और एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में मौलाना तौकीर रज़ा खान ने क्या कहा ये भी सुनिए, उसके बाद आपको सुनवाएंगे कि सैयद सरवर चिश्ती का क्या कहना है। आज जो सरकार ने पिछले कुछ दिन से अफवाहों का बाजार गर्म था, इस वजह से यहाँ हाजिरी देना बेहद जरूरी था और जिम्मेदारान से सदर साहब से सिक्योरिटी साहब से बात करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कुछ कितना पसंद लोग कितने को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं और बरेली और कछौजा बरेली और अजमेर शरीफ को लड़ाने की कोशिश करते हैं, जबकि मैं मेरा मानना यह है और गुलामाने गरीब नवाज का तमाम का मानना यह है कि गरीब नवाज हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो गरीब नवाज का बल्कि मिन्नत है। तो हर खानकाह का हर दरगाह का अपना एक निजाम होता है, उसके इंतजाम में किसी किस्म की मदाखलत जायरीन को करने की कोई जरूरत नहीं है। वो किसी फिरके से ताल्लुक रखते हो, किसी मतलब से ताल्लुक रखते हो, जहां आएंगे हाजिर देंगे और खामोशी से वापस जाएंगे। दूसरी बात यह कि कुछ लोगों ने फितना उठाने की कोशिश की कि परचम लगाएंगे और ये करेंगे, जो यहां राइट सलाम है, क्योंकि सलाम किसी शख्सियत के लिए नहीं है, सलाम बनाए रख हुजूर की शान में पढ़ा जाता है। तो सलाम जो पढ़ा जाएगा, जो राइटुल वक्त सलाम है, जो पहले से मुरव्वजा है, वही सलाम पढ़ा जाएगा। बाकी यहां का जो निजाम है उस निजाम के मुताबिक लोगों का अमल करना है, उस निजाम के मुताबिक लोगों को यहां शिरकत करनी है, किसी किस्म का कोई फितना उठाने की कोशिश ना की जाए। और जिसने बरेली का नाम लेकर इस किस्म का फितना उठाने की कोशिश की, उसके खिलाफ इंशाल्लाह सख्त से सख्त कार्रवाई बरेली वाले करेंगे। जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया। अकीदत बंदाने ख्वाजा गरीब नवाज से और जो आने वाले जारी में ख्वाजा है आपको कह रहा है उसमें
उन सब से मुखातिब है और ये कहते हुए बड़ी खुशी और बड़ी मसरत हो रही है कि खानवादाए फाजिल बरेली अहमद रजा खान साहब के लख्त जिगर जो अलमारूफ आला हजरत से आप आए और आपने इसमें को खत्म करने की कोशिश की और आपने वाज तौर पर यह फरमा दिया कि जो यहाँ पे चीज राइज है, जो सलाम राइज है, जो मामलात है उसी के पेश नजर यहाँ पर रहें और किसी किस्म की कोई ऐसी बात ना करें जिससे कि बरेली और अजमेर शरीफ में किसी किस्म का तनाजा पैदा हो। हम सबका तय दिल से वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आइए बारगाह उजूर गईनास में आकर तैयाब होइए। हम सबकी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क में अमन अमान कायम रखे और हमारी उम्मत में इत्तेहाद पैदा करे।